नमस्कार अधा सत अधा गप समुद्र गर्भरे बुड़ी रही श्रीकृष्ण कर्मभूमि द्वारिका नगरी अनुसंधान करने भारतीय टेलीविजन इतिहास प्रथम थर पर न्यूज 18 करिथिला अभियान वर्तमान द्वारिका नगरी गोमती नदी एवं पूर्वर होइथिबा सामुद्रिक अभियान संपर्क में आम देखिथिले गत सप्ताह 800 फुट तले समुद्र गर्भरे देखिथिबा एक विशाल पाचेरी प्राचीन द्वारिकार एक अंश बोली कहगला दावी करागला जे सुरटर डभारी गाँ निकटे ये पाचेरी मिली एवं देखा आम अभियान कि तथ्य संग्रह कर फिलहाल हम सूरत के पास में आए सुवाली टूरिस्ट पॉइंट पर हैं और यहीं से जो डभारी करके जो जगह थी जहां से द्वारिका की खोजबीन शुरू हुई थी जो टीम जिसमें डॉक्टर मितुल शामिल थे डॉक्टर मितुल भी हमारे साथ हैं डॉक्टर साहब जानना ये चाहेंगे डभारी ही क्यों डभारी से अगर 10 किलोमीटर आप अंदर जाते हैं और 10 से 12 किलोमीटर तो वहाँ से समंदर के अंदर जो अवशेष मिले हैं वो सबसे नज़दीक डभारी से हम लोगों को आना जाना सहूलियत थी वहाँ पे दूसरा डभारी उस वक्त ऐसा एरिया था कि जो उतना पॉपुलर नहीं था तो जहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शन गवर्नमेंट को जो रखना था दैट वाज द इजीएस्ट प्लेस डभारी यहाँ से पास ही में है और वहीं जाने की कोशिश करेंगे और उस जगह से जहाँ से इन्होंने खोजबीन शुरू की थी आमे सुरटर डभारीर से ही अंचल को जाऊथिले जेउठी मिलिथिला प्राचीन द्वारिकार पाचेरी आम सह डॉक्टर मितुल भी थिले जे कि पाचेरी खोजिथिबा टीम रे शामिल थिले किछि समय परे आमे समुद्रर से ही अंचल रे थिलु जेउठी एएसआई टीम को मिलिथिला से ही रहस्यमय पाचेरी सबसे पहले हम लोग को जो अंडर वाटर मिला था दैट वाज वन बिग वॉल एक सबसे बड़ी दीवार थी बहुत बड़ी दीवार थी यहाँ से द्वारका तक की उसकी लंबाई थी पानी के अंदर अभी भी वो दीवार है क्योंकि वो दीवार इतने सालों से टिकी हुई है कहीं कहीं वो दीवार बीच बीच में थोड़ी बहुत क्रैक है कहीं कोई जगह पर उसकी हाइट और ये सब उसके ऊपर काफ़ी सारी असर हुई है वो दीवार दिखाई दे रही है तो दैट वॉज द फर्स्ट इंसिडेंस के उन लोगों को ये लगा कि कहीं ना कहीं ये द्वारका से जुड़ी हुई कोई कहानी है क्योंकि वो दीवार द्वारका तक जुड़ी हुई थी जदि एभली कथा आउ किए कही था हुए तो ताऊपर प्रश्न उठी था किंतु ए दाबी थिला एभली एक व्यक्तिर जिकि पाचेरी खोजी एएसआई टीम रो सदस्य थिले किंतु गोटे बड़ प्रश्न एबे भी मन भितर थिला जो पाचेरी सुरटे मिली से पाचेरी द्वारिकार बोली केमिति प्रमाणित हैला दो टीम फिर बनी एक द्वारका की तरफ से एक टीम रिसर्च कर रही थी दूसरी टीम इस तरफ से रिसर्च करना शुरू किया 2000 से और दोनों को फिर 2000 के बाद जो भी सारी चीज़ें यहाँ से जो मिलती थी उसको द्वारका की टीम के साथ मैच किया जाता था भाई आप लोगों को जो मिला है वो क्या इस तरह से है क्या ये इस तरह की क्वालिटी है इस तरह के मटेरियल है इस तरह के कंटेन है उसका डेटिंग क्या है उसका कार्बन डेटिंग क्या है उसकी अलग अलग रिपोर्ट्स और क्या बता रही है तो वो सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ जब मैच की तो उसको जाके पता चला कि हाँ ये अल्टीमेटली ये और कोई नहीं ये पूरी डूबी हुई द्वारका ही है क्योंकि उस तरफ मिला और यहाँ से वो मिला वो ऑलमोस्ट सेम था सड़क मार्ग रे द्वारिकारु सुरटर दूरता प्राय 700 किलोमीटर आउ समुद्र दे यार दूरता आहुरी बढ़ी जाए पुराण रे तो लेखा जाइछि प्राचीन द्वारिका चारिपटे एक विशाल पाचेरी रही थिला तबे श्रीकृष्णक समय रे द्वारिकार सीमा कोन एते विशाल थिला हम लोगों को यही पता था आज तक कि द्वारका एक छोटा सा सिटी था छोटा सा शहर था या एक किनारे पे बसी हुई एक नगरी थी लेकिन द्वारका नगरी थी ऐसा नहीं था द्वारका पूरा एक स्टेट था मथुरा से जितने भी यादव और जो लोग वहाँ पे जरासंघ की वजह से कृष्ण ने जब माइग्रेट किया था और यहाँ पे आके बसे थे तो उनका जो रास्ता था जो रूट था इस वक्त बे ऑफ कैम्बे ये जो है खंभात का अखात उसके अंदर ये पानी नहीं था ज़मीन थी तो पाटन से होते हुए वो यहाँ पिंजरत तक आए थे और पिंजरत से वो चलते चलते कृष्ण यहाँ से द्वारका तक गए थे यहाँ से चलते हुए द्वारका जाने का उनका जो स्पीड था वो स्पीड करीब डेढ़ से दो दिन की उनकी स्पीड थी जो लोग यहाँ पे बस गए रास्ते में वो यहीं पे बस गए जो आगे निकलते गए कृष्ण ने किनारे पे बेट द्वारका के पास जो डूबी हुई द्वारका है
वहाँ पे उनके महल और ये सब चीज़ें वहाँ से मिली थी, लेकिन बाकी सारे जो छोटे छोटे शहरों या छोटे छोटे जो कबीले या छोटे छोटे जो हिस्से थे वो यहाँ से मिले थे। सूरत रु मिलिथिबा पाचेरी प्राचीन द्वारिकार एक छोट अंश मात्र। प्राचीन द्वारिकार असली चिन्ह तो बेट द्वारिकारे रही। बेट द्वारिका एक टापू जहाँ निकटने रही असली द्वारिका नगरी। सेठे पूर्वर थिबा आमर एक दल बेट द्वारिका आड़कू बढ़ुला। अब हम आए हैं बेट द्वारका, यानी वो द्वारका जो आज के शहर से काफ़ी पुरानी है। और ये एक टापू है, एक आइलैंड है, जहाँ तक पहुँचने के लिए आपको बोट की ज़रूरत पड़ती है। और उस बोट से हम बेट द्वारका जाएंगे और वहाँ पर कुछ एग्जीबिशंस हुए हैं, वहाँ पर कुछ पुरातत्व की चीज़ें निकाली गई हैं जिनका सीधा ताल्लुक भगवान कृष्ण के युग से माना जाता है। तो उसी तलाश में अब हम जाएंगे बेट द्वारका। आइए। महाभारत और स्कंध पुराण रे मध्य बेट द्वारिकार वर्णना रही। कहुए सेठी थिला भगवान श्रीकृष्ण महल, जो निज पर रुते श्रीकृष्ण। आम को आशा थिला सेठारे प्राचीन द्वारिकार किछि अंश निश्चय मिल जाव। समुद्र रु मिली महाभारत समय पाचेरी, किंतु श्रीकृष्ण महल तो रही बेट द्वारिकार। तबे जेउठी अनेक रहस्य एवं प्रश्न उपर उठिबा परदा, आम संधान रो एक गुरुत्वपूर्ण अंश हेउची बेट द्वारिका। सेठी आमको केउ केउ प्रमाण मिलिला, ब्रेक परे देखिबा सेही सबु रहस्यमय तथ्य। आजर द्वारिका दुई भाग में विभक्त, गोटे गोमती द्वारिका एवं अन्यटी बेट द्वारिका। गोमती द्वारिकार रही द्वारिकाधीश मंदिर, बेट द्वारिकार रही श्रीकृष्ण महल। बेट द्वारिका को से प्राचीन द्वारिकार एक अंश भाव ग्रहण कराए, जो रोते भगवान श्रीकृष्ण। आउ यार चारिपट समुद्र घेरा। कहुए बेट द्वारिका निकट रू मिल कि बासन एवं अस्त्रशस्त्र। कहुए से ही स्थान ही प्राचीन द्वारिकार पाचेरी सन्धान मिलता, जहार गोटे भाग सुरटे मिसी दावी करा जाए। ए सब कथ जानापर आमको बेट द्वारिका जीवार आवश्यकता थिला, आउ आशा थिला सेठरे आमर आशा निश्चित भाव पूरण हो। प्राचीन द्वारिकार सन्धान रे आमे बड़ आशा नहीं बेट द्वारिका अभिमुखे बाहरी गलु, कारण एहा सह जोड़ी होइतिला अनेक कहानी। कुहा जाए सखा श्रीकृष्ण को सुदामा जो महल रे देखा करिथिले से बेट द्वारिकार महल ही थिला। महाभारत युद्ध आरंभ पूर्व एठाकू ही आसीथिले अर्जुन और दुर्योधन। जो स्थान सह एते सबू कहानी जोड़ा सेठी निश्चय किसी खास थी। जब हम द्वारका की तलाश के लिए निकले थे तो हमको ये नहीं पता था कि हमारा सफर सूरत से लेकर द्वारका तक पहुंचेगा और द्वारका से भी आगे हमको जाना होगा। आज हालत ये है कि अगर द्वारका का जो असली स्वरूप हमको देखना है वो या तो हम किताबों में देख सकते हैं या फिर समुद्र की इस गहराई में। लेकिन एक जगह है जहाँ पर आज भी द्वारका का वो पुराना स्वरूप चंद लम्हों में बाकी है, चंद पत्थरों में बाकी है, और वो है बेट द्वारका, और वही है हमारी अगली मंजिल। बेट द्वारिका को नहीं स्कंध पुराण रे वर्णना रही। श्रीकृष्ण को भेटा को लोक मैंने डंगे बसी जाते जमीक आम जा किसी समय पर आम पहुंची सारी श्रीकृष्ण जड़ित ऐतिहासिक मटी।
देखिए, भेट द्वारका आने का हमारा एक बड़ा क्लियर कट मकसद है। भेट द्वारका का एक और नाम है शंखोदरा। यहाँ पर बड़ी भारी तादाद में शंख निकलते हैं और इन्हीं शंखों की तलाश में लोग समुद्र के नीचे खुदाई करते हैं। इसी खुदाई में पहले लोगों को सिक्के मिलने शुरू हुए, ये बात एएसआई को पता चली। एएसआई ने यहाँ पर अपनी टीम भेजी और उस टीम ने जब यहाँ पर समुद्र में खुदाई की तो एक बहुत बड़ी दीवार, करीबन 150 मीटर लंबी दीवार समुद्र में मिली। जांच की गई तो पता चला कि ये दीवार एक दो नहीं बल्कि 4000 साल पुरानी है। अब आपने शुरुआत में देखा कि सूरत में एक दीवार मिली और एक दीवार यहाँ भेट द्वारका के पास, तो क्या ये दोनों दीवारें एक ही किले से संबंधित हैं? क्या इन दोनों दीवारों के बीच में कोई ताल्लुक है? क्या ये दीवारें भगवान कृष्ण से कोई सीधा संबंध रखती हैं? यही देखने के लिए हम भेट द्वारका आए हैं। প্রাচীন দ্বারিকার সন্ধানে আমি বেট দ্বারিকার দ্বারিকাধীশ মন্দিরে পৌঁছিলু। এখানে আমি বহু সময় ধরে বুলিলু, লোকঙ্ক সহ কথা হেলু, কিন্তু প্রাচীন দ্বারিকা কেবল কাহিনীতে শুনবাকু পাইলু। কেবল এতিকি জানিবাকু পাইলু, এখানে সমুদ্র ভিতরে নিশ্চয় কিছু মিলিছিলা। ও থোড়া বর্তন নিকলা থা না, থোড়া 4000 साल पहले का किला, मीन्स के कोई सोना नहीं है। वो भगवान का युग था, वो सोनेरी युग था। भगवान चले गए तो युग खत्म हो गया। इसके लिए आदमी लोग बोलते हैं कि भगवान ने सोने की द्वारका समुद्र में डुबा दिया। संध्यारे जितेबेले आमे फेरिलु टिके निराशा तो थिला, कारण बेट द्वारिकारे आशा अनुसार किछि भी मिलला नाही, কিন্তু আম হাত খালি বি নথিলা। বিলুপ্ত হয়ে সারিথিবা দ্বারিকা নগরীর সন্ধান পাই এবে আমাকু সমুদ্রর গভীর জলরাশি ভিতরকু ওল্লাইবার থিলা, আউ প্রস্তুতি পাই থিলা কেবল আজির রাতি। পরদিন সকালে আমি বেট দ্বারিকার সেই অঞ্চলে পৌঁছিলু যেউঠি প্রাচীন দ্বারিকার পাচেরি কু দেখিতিলা এএসআই টিম। তো জিন লহরো মে দ্বারকা শহর সমা গয়া থা উনহি সমুদ্র কি লহরো কে পাস হাম মৌজুদ হ্যায়। আর আব তক জো আপনে কাহানি সুনি ইস শহর কি, সোনে কি, ইস নগরী কি, ভগবান কৃষ্ণ কে ইস পাবন শহর কি, উসসে ইয়েহি সমঝ মে আয়া কি ও आज भी यहाँ इन समुद्र की लहरों के नीचे मौजूद है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो एक्सकवेशन हुआ है, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने जानने की कोशिश की है, समझने की कोशिश की है, मरीन बायोलॉजिस्ट ने अंदर जाकर देखने की कोशिश की है, तो जो अवशेष मिल रहे हैं वो वाकई चौंकाने वाले हैं और कुछ मिनटों बाद वो भी आपके सामने होंगे। इबे समुद्र भीतर को जीवा को आमको आवश्यकता थी स्कूबा डाइविंग उपकरण, जहाँ प्रस्तुति हमें पूर्वरू ही कर सारी। द्वारका के इस खोज में हम अपने सबसे अहम मुकाम पर, सबसे अहम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं और उसकी पूरी तैयारी आपके सामने है। यहाँ पर वो सारा इक्विपमेंट मौजूद है जिसकी मदद से हम उस नदी, उस शहर तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, समुद्र में डूबी हुए उस नगर तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। किरण भाई, मुझको बताइए, शुरुआत तो ये सबको पता है कि ये सिलेंडर है, ऑक्सीजन सिलेंडर है। ऑक्सीजन सिलेंडर्स के अलावा ये जो सूट आप लाए हैं इसकी क्या खासियत होती है? तीन प्रकार के सूट आते हैं, एक लेकरा आता है, ड्राई सूट आता है और वेट सूट। तो लेकरा होता है वो पानी के सरफेस के ऊपर होता है, यानी कि आप स्विमिंग है, राफ्टिंग है उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमको पानी के अंदर जाना होता है। तो पानी के अंदर हम जब भी जाते हैं तो हमारी एनर्जी हमारे पास स्टोरेज होनी चाहिए, हाँ बर्बाद होती है, तो उसके लिए हम वेट सूट। तो चलिए अब अपने इक्विपमेंट्स पहनते हैं और फिर आपको वो नगरी के दर्शन कराते हैं। अब वक्त है
समुद्र के बीच में जाने का, और समुद्र की किसी से दोस्ती नहीं होती। भगवान राम को भी इंतजार करना पड़ा था 3 दिन तक, जब समुद्र ने लंका का रास्ता दिया था। और यहाँ पर हम द्वारका की तलाश में इस समुद्र में उतरने की कोशिश कर रहे हैं। रहस्य और रोमांच भरा ये यात्रा रे समय हिचे को छोटा ब्रेक रह, ब्रेक पर देखिबा आउ किछि अनुसंधान रह कथा। द्वारिकार सन्धानरे आमको समुद्रर 50 फुट्रु अधिक गभीरक जिबाकु पडिबो, आउ नुआ करि जाउथिबा लोकंक पई एहा विपदपूर्ण। ये क्या क्रेडिट, क्या क्रेडिट भाई? सर हम कहीं पे भी जाते हैं तो हम किसी की इजाजत लेते हैं, लेकिन हम जो भगवान समुद्र नारायण है उनके, हम उसके अंदर जाते हैं गोताखोरी करने के लिए, तो हमको उनकी भी इजाज़त लेनी पड़ती है, और एक तरह का ये हम रिस्पेक्ट कर रहे हैं। ये एक बेहद रिस्की काम है जो हम कर रहे हैं, और आप देखिए जैसे जैसे पानी में बढ़ते जाएंगे चीज़ें मुश्किल होती जाएंगी। रिकॉर्डिंग मैं जहाँ तक कर पाऊँगा, और अंडर वाटर के लिए तो मेरे पास कैमरा है जो इनके हाथ में है। ये देखिए ये कैमरा मौजूद है, और ये पूरी तरह से वाटर प्रूफ है, इसे हम पानी में डाल सकते हैं। ये देखिए हमने ये कैमरा पूरी तरह से वाटरप्रूफ है, इसे हम पानी में डाल सकते हैं, और हम अंडर वाटर तो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, लेकिन ऑडियो मेरे पास नहीं रहेगा, मैं आपसे बात नहीं कर पाऊंगा, लेकिन वो हर चीज़ मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा जो इस समुद्र में मुझे दिखाई देगी। इक्विपमेंट कैसे यूज़ करना है ये मुझे सीखना है, और मुझे माइक छोड़ना पड़ेगा। माइक सहयोगी जो है किरिट भाई के, मुकेश भाई, इनके हाथ में दे देता हूँ। भाई आप माइक रखिए ताकि आवाज़ रिकॉर्ड होती रहे, पानी में ना जाए, बस ये ध्यान रखिएगा, और हमारा हाथ फ्री रहे। तो ठीक है हम शुरू करते हैं। ये सेफ्टी बेल्ट है जिसके जरिए ये सिलेंडर मेरे शरीर से जुड़ा रहेगा। एबे स्कूबा डाइविंग रो सबुठू गुरुत्वपूर्ण मोड़ आसी सारिथिला। समुद्र भितरे निश्वास नेबा कष्टकर होइथाय, तेणु समुद्र रे किभळी निश्वास नियाजिबो तार ट्रेनिंग आवश्यक। पूरा लिप को दबाए रखना, बस पूरा लिप दबा के रखना, छोड़ना नहीं, तभी पूरा सिलेंडर में हवा आप सांस ले पाएंगे। गुड, आप पानी में जाइए, वो सांस कैसे करा लेंगे, फिर ऊपर ले लीजिए। एक 1.5 घंटे से हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। किरिट भाई मुझको ये बताइए कि आपको लगता है कि हम कर पाएंगे, वहाँ तक जा पाएंगे, मैं हूँ इस काबिल? जी सर, हमने आपको प्रैक्टिस करवाया, और आप परफेक्टली 100 में से कोई भी एक ऐसा आदमी होता है जो आप परफेक्टली डाइविंग कर पाते हैं है। तो मैंने आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस देखा, और मेरे को भी सेल्फ कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं आपको अंडर वाटर ले जाऊँ और अंडर वाटर लाइफ दिखाऊँ, और द्वारका जो पुरानी डूबी हुई उनका अवशेष के बारे में खोजबीन करें। तो अंडर वाटर लाइव जा रहा हूँ अब इसके बाद जो कुछ भी आप देखेंगे वो गोप्रो कैमरा होगा, दूसरा अंडर वाटर कैमरा होगा। अब कोई बातचीत नहीं कर पाऊँगा मैं आप लोगों से, कुछ भी नहीं कर पाऊँगा अब, क्योंकि ये कैमरा नीचे रहेगा पानी का, और इसके थ्रू सब कुछ रिकॉर्ड होगा। तो अब आगे जो कुछ भी आपको दिखाई देगा वो बिना आवाज़ के, मेरी आवाज़ नहीं मिल पाएगी आपको, लेकिन कोशिश ये है कि जहाँ तक मैं और किरिट भाई जा सकें वहाँ तक हम आपको भी ले जा सकें। चलिए समुद्र भितरे स्कूबा डाइविंग करिबा थिला एक अद्भुत अनुभव। 20 फुट गभीर को जीवाकु बहुत कष्ट करिबाकु पड़िला, पानीर चाप शरीर को बारंबार ऊपर को फेरुथिला। किछि समय पर बहरिबा तो सहज होइगला, किंतु स्कूबा डाइविंग रो अनुभवहीनता बाट ओगाड़ुथिला। समुद्र भितरे थिबा दृश्य को देखिबा ओ बुझिबारे असुविधा हेउथिला। ପାଣି ଭିତରେ ଅଧିକ ସମୟ ରହିବା ପରେ ଏକ ଅତି ବିଚଳିତ ଭାବନା ଆସିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରିବା କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା। ଆମକୁ କିଛି ପଥର ଦେଖାଗଲା, କିନ୍ତୁ ଏହା ପ୍ରାଚୀନ ଦ୍ୱାରିକାର ଥିଲା ନା ଆଉ କିଛି ବୁଝି ହେଉନଥିଲା।
କିଛି ସମୟ ପରେ କିଛି ନ ମିଳିବାରୁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ହଜିଯିବା ଭୟରେ ଉପରକୁ ଆସିବାକୁ ସ୍ଥିର କଲି। मैं ना तो प्रोफेशनल डाइवर हूँ और ना ही हमारे पास उस तरह के इक्विपमेंट्स और उस तरह के कैमरे हैं जो हम आपको ये पूरी चीज़ें दिखा सकें। इससे ज़्यादा देर पानी में मैं नहीं रह सकता, मेरा सिलेंडर एक घंटे का था, ख़त्म होने वाला है। लेकिन इंडियन आर्कियोलॉजिकल सर्वे जो है उसने बहुत सारी रिसर्च की है, ASI ने, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने, और उसकी रिसर्च का जो वीडियो है उसमें से भी ये बात ज़ाहिर होती है और वो जो चीज़ें निकल कर आई हैं उससे बात ज़ाहिर होती है कि यहीं पर कृष्ण की वो नगरी थी, वो द्वारका थी। ए वीडियो ASI रो सही मिशन रो वीडियो जेउ समय रे मिलिथिला द्वारका रो प्राचीन पाचेरी। सेते बेले ASI रो मुख्य SR राव नक्शा जरिया रे स्कूबा डाइवर को पाचेरी रो अवस्थिति बुझाइथिले। आउ किछि समय भितरे से माने सेठारे पहुंची गले ଯେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିବାକୁ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥିଲା। ଏବେ ଟିଭି ପରଦାରେ ପଥରର ଯେଉଁ ଲାଇନ୍ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ କି ସ୍କୁବା ଡାଇଭର ମାପିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଏ ହେଉଛି ସେହି ପ୍ରାଚୀନ ଦ୍ୱାରିକାର ପାଚେରୀ ଯାହାକୁ କି ASI ଖୋଜି ବାହାର କରିଥିଲା। ଆମକୁ କୁହାଗଲା ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରାଚୀନ ପାଚେରୀର ସନ୍ଧାନ କରୁଥିଲୁ ଏ ହେଉଛି ସେହି ପାଚେରୀ। जिस तरह से मैप उसमें डायरेक्शन दिया, मैप का डायरेक्शन दिया हुआ है वो सारी जगह, और जो हमें एक्चुअल द्वारका जो लोकेट हुई है, जो पानी में से मिली हुई है, और इसके अंदर जो कहानियाँ मिली है महाभारत के अंदर के द्वारका किस तरह से डूब गई थी और डूबी हुई द्वारका यहाँ पे थी, तो वो भी अगर आप यहाँ पे चेक करते हैं तो वही सारी जगह पे हमें जो अवशेष मिले हैं वो भी ऑलमोस्ट वही अवशेष मिले हैं। पाचेरी पाखरे अन्य सामग्री भी मिली थी, किसी पत्थरों को बाहर को भी अणा जाती थी। दाबी थिला सबु किछि श्रीकृष्णक द्वारिका नगरी कालर थिला। एही पाचेरी को देखि विश्वास हेउनी ये हेउछि सेही प्राचीन द्वारिकार एक अंश, किंतु एहा पूर्वरु भी अनेक थर समुद्र भितरे मिलिछि पुरातन सभ्यतार अंश। किछि दिन तळे पौराणिक कहानीर संधान रे आमे जेतेबेले इंडोनेशिया रे पहुँचिथिलु सेतेबेले बालीर उत्तर दिगरे थिबा पिमिकरन बीच संपर्करे जानिबाकु पाइथिलु, ଯେଉଁଠି ସମୁଦ୍ର ତଳେ ହିନ୍ଦୁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରମାଣ ମିଳିଥିଲା। ଏ ଭିଡ଼ିଓ ସେହି ସ୍କୁବା ଡାଇଭରଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ ମିଳିଥିଲା, ଯାହାକୁ ଦେଖି ଆମେ ବି କମ୍ ଚକିତ ହୋଇନଥିଲୁ। ସମୁଦ୍ରଠୁ ପ୍ରାୟ 200 ଫୁଟ ତଳେ ହିନ୍ଦୁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ଅଦ୍ଭୁତ ମୂର୍ତ୍ତି ରହିଥିଲା। କୁହାଯାଏ ଏ ମୂର୍ତ୍ତି ହେଉଛି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର, ମାନେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ହିଁ ଅନ୍ୟ ଏକ ସ୍ୱରୂପ, ଅର୍ଥାତ୍ ମହାଭାରତ ପାଖାପାଖି ସମୟର। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରିକା ନଗରୀ ନିର୍ମାଣଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ହେବାର କାହାଣୀ ବେଟ୍ ଦ୍ୱାରିକାର ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଛି, ପ୍ରମାଣ ବି ମିଳିଛି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ବିଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି। ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଦ୍ୱାରିକା ନଗରୀର ଏହି କାହାଣୀ ସତ ହେବାର ନିକଟତର, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ନେଇ ଆଜି ବି ଗବେଷଣା ଚାଲିଛି। ହୋଇପାରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆଉ କିଛି ନୂଆ ତଥ୍ୟ ପଦାକୁ ଆସିପାରେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ କର୍ମଭୂମିକୁ ନେଇ ଆମର ଏ ଯାତ୍ରା ଆଗକୁ ବି ଜାରି ରହିବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଚୀନ ଦ୍ୱାରିକା ନଗରୀ ତ ଆରମ୍ଭ ମାତ୍ର। ଟେଲିଭିଜନ ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଆରବ ସାଗରକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲା News 18 ଟିମ୍। ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ବି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇଯିବୁ ପୌରାଣିକ କାହାଣୀର ଏହି ରହସ୍ୟମୟ ଏବଂ ରୋମାଞ୍ଚକର ଯାତ୍ରାକୁ। ଅଧା ସତ ଅଧା ଗପକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର।